Welcome you all to our channel. I am Himani Zuri, and as you can see in my background, we are going to discuss previous year questions of environment topic of 2019 UPSC CSE paper. So I hope you guys have been following this session regularly. If not, please mark my time. You have to join me on Grid Up IAS channel every day at 6 p.m. for the previous year questions of UPSC CSE exam, and please do like and share the session as well with your friends so that they also can join our session. Okay, so let's get started with today's discussion. You can see on your screen the very first question, which talks about India's desert national park. Good evening, good evening. Go through the question. Okay, it talks about India's desert national park, and which of the following statements are correct about it? First statement is talking about that it is spread over two districts. Second, there is no human habitation. Third, it says is one of the natural habitats of great Indian bustard. What do you think? Nidarshan, good evening. Tanvi, good evening. Which of these is correct? Quickly. Sujit. Krunal. Okay. Many of you are saying answer is C. Let's see what is the answer. Spread over two districts, theek hai ya nahi? No human habitation, one of the natural habitats of GIB. Bilkul, answer is C, absolutely correct. It is spread over two districts. Which are the two districts? Some people get confused between Jaisalmer and some people think it is Bikaner. So it is Jaisalmer and Barmer. Main aapko dikha deti hu ek bar. So you can see this is map of Rajasthan. You can see this is Jaisalmer and this is Barmer. Theek hai? Not Bikaner. Bikaner is over here. Theek hai? विक्रम कुमार साहू, ऑल गुड. तो जैसलमेर और बारमेर दो डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं ये वाली, इनमें हमारा थार डेजर्ट है और ग्रेट इंडियन डेजर्ट, हॉट डेजर्ट. एंड सेकंड स्टेटमेंट नो ह्यूमन हैबिटेशन वाली गलत है. थर्ड स्टेटमेंट सही है, दैट इट इज वन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. बिल्कुल सही. ओके, सो या Desert National Park is a bird's watcher's paradise, as you can see, or Great Indian Bustard यहाँ पाई जाती है. किया, very good evening. ठीक है, so here you can see there are so many travelers also, और बहुत सारी अलग अलग tribes यहाँ पे रहती हैं. तो it is not that there is no human habitation at all. Human habitation is there, but very sparsely distributed. बहुत कम पॉपुलेशन डेंसिटी है यहाँ पे. ओके, तो 4 to 5% पर स्क्वायर किलोमीटर आप समझ सकते हो दैट द ह्यूमन पॉपुलेशन इज वेरी वेरी स्पार्सली डिस्ट्रीब्यूटेड. ओके, नेक्स्ट चल रहे हैं, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. क्विकली रीड आउट द क्वेश्चन एंड आंसर इन द चैट बॉक्स. विक्रम, एक्चुअली कभी कभी अगर आप इस क्लास की बात करो, कई बार यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजता है. तो दैट इज वाई वॉट यू हैव टू डू इज यू हैव टू मार्क द टाइम. अलार्म लगा लो कि शाम को 6 बजे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करने आना है ग्रेड अप आईएएस चैनल पे. ओके, हम ऑलरेडी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन कर चुके हैं, ज्योग्राफी वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, एंड नाउ वी आर डूइंग एनवायरमेंट. तो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही थी 36% ऑफ इंडिया डिस्ट्रिक्ट्स आर क्लासिफाइड. लेट मी टेल यू, दीज आर सम ऑफ द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ 2020. जो हमने फ्राइडे को 2020 के जो क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, सम ऑफ द क्वेश्चन वर लेफ्ट आउट. दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन 2020, दैट इज लास्ट ईयर. एंड ये पहली स्टेटमेंट, 36% ऑफ इंडिया डिस्ट्रिक्ट आर क्लासिफाइड एज ओवर एक्सप्लॉइटेड बाय CGWA, गलत है. ओके, किया इज सेइंग आंसर इज बी. राधा एंड कृणाल आर ऑल्सो सेइंग आंसर इज बी. ठीक है, बिल्कुल. वन को हम जैसे एलिमिनेट करते हैं. फिर सेकेंड,
वॉज फॉर्म्ड अंडर ईपीए, ये भी बिल्कुल ठीक है. इंडियाज लार्जेस्ट एरिया अंडर ग्राउंड वाटर इरीगेशन इन दी वर्ल्ड, इज दिस करेक्ट? ठीक है जी, बिल्कुल सही है. आपको बता दिया जाए दैट दिस परसेंटेज वॉज नॉट 36%, इट इज अबाउट 25%. 25% इंडिया की 25% डिस्ट्रिक्ट में जो ग्राउंड वाटर है वो ओवर एक्सप्लॉयटेड या क्रिटिकल की कैटेगरी में आता है. हमारा सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी CGWA अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जितनी वाटर अवेलेबिलिटी है उस बेसिस पे उन डिस्ट्रिक्ट्स को क्लासिफाई करता है इन गुड अवेलेबिलिटी, क्रिटिकल और ओवर एक्सप्लॉयटेड. ठीक है, दिस वॉज एस्टैब्लिश्ड अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट EPA जो 1986 का था, राइट, एंड इंडियाज लार्जेस्ट एरिया अंडर ग्राउंड वाटर इरीगेशन सिस्टम. ये चीज हमें पता होनी चाहिए क्योंकि हमारी बहुत सारे जो एग्रीकल्चरल एरियाज हैं, लार्जेस्ट एरिया अंडर ग्राउंड वाटर इरीगेशन क्यों है हमारे कंट्री में, क्योंकि बहुत सारे जो एग्रीकल्चरल एरियाज हैं दे डू नॉट हैव एक्सेस टू इरीगेशन फैसिलिटीज. सबके पास ट्यूबवेल्स या कनाल्स या फिर बाकी इरीगेशन फैसिलिटीज की अवेलेबिलिटी नहीं है. सो वॉट डू? दे गेट वाटर फ्रॉम वेल्स और ग्राउंड वाटर से, हैंडपम्प से या वट एवर, दे गेट वाटर फ्रॉम द ग्राउंड वाटर सोर्सेज. ठीक, तो ग्राउंड वाटर बहुत ज्यादा यूज होता है हमारी कंट्री में, ओवर एक्सप्लॉयटेड है हमारी कंट्री में. ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अमंग द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व, विच वन हैज द लार्जेस्ट एरिया एंड अ क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट. ठीक है, अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, ये भी 2020 में पूछा गया, आज इन 2020. इट टॉक्स अबाउट लार्जेस्ट एरिया, तो ये लार्जेस्ट एरिया को ध्यान में रखना कि कौन से टाइगर रिजर्व में कितना एरिया इज अंडर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट. दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर श्योर. हाँ जी, किया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. ओके, सो व्हाट डू यू थिंक, कॉर्बेट, रणथंबोर, नागार्जुन सागर या सुंदरबन? ओके, ऑल ऑफ यू आर सेइंग सी. सुजीत, तन्वी, राधा, कृणाल, किया, ऑल ऑफ यू आर सेइंग सी. आंसर बिल्कुल सी है, नागार्जुन सागर और श्रीशैलम. हियर यू कैन सी नागार्जुन सागर श्रीशैलम का, कहीं पे यू विल फाइंड इट अबाउट 2500 समथिंग, कहीं पे आपको 3000 समथिंग मिलेगा. तो आप 3000, ठीक है, आप 3000 किलोमीटर स्क्वायर लेके चल सकते हो उसको, विच इज क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट इन नागार्जुन सागर श्रीशैलम. बाकी रणथंभौर और सुंदरबन्स में तो कॉर्बेट से ज़्यादा, इतना याद रखना कि कॉर्बेट से ज़्यादा नागार्जुन सागर श्रीशैलम का क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट है. ओके ओके, राइट देन, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट. यहाँ पे आप देख सकते हो, दीज आर ऑल्सो नोन एज कोर एरियाज ऑफ टाइगर रिजर्व आर आइडेंटिफाइड अंडर हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972, उसके अंडर ही आपके क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट्स आर आइडेंटिफाइड. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, क्योंकि वो आपको कुछ और एक्ट दे देगा कई बार कि क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट्स आर आइडेंटिफाइड अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट और क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट्स आर आइडेंटिफाइड अंडर नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट. नो, अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972. सो यू शुड बी नोइंग दिस थिंग, कौन से एक्ट के अंडर इनको नोटिफाई किया जाता है. ठीक है, बेस्ड ऑन साइंटिफिक एविडेंस दैट सच एरियाज आर रिक्वायर्ड टू बी केप्ट एज इनवायलेट फॉर द पर्पसेज ऑफ टाइगर कंजर्वेशन. क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट्स का मतलब ये है कि ऐसे एरियाज जहाँ पे प्रॉपर कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस ना हो और प्रॉपर जगह एलोकेट की जाए फॉर टाइगर्स टू रिजाइड. ओके, विदाउट अफेक्टिंग द टाइगर. येस, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि क्या क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट्स में से जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनको रिलोकेट किया जाता है? नो, द शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर नॉट रिलोकेटेड फ्रॉम द क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट्स. दिस इज ऑल्सो वन थिंग कैन कम एज अ स्टेटमेंट इन फिल्म्स. ओके, सो विदाउट अफेक्टिंग द राइट्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स और अदर फॉरेस्ट डिवेलर्स. ठीक, कौन नोटिफाई करता है क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट्स को? तो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करती है. हर स्टेट गवर्नमेंट अपने जो नेशनल पार्क्स हैं या फिर ऐसी सेंचुरीज हैं उसमें से अगर टाइगर्स अवेलेबल हैं उनमें से कुछ एरिया को नोटिफाई कर देते हैं. देन इट इज़ अपॉन द सेंटर टू, या फिर जो कंसल्टेशन एक्सपर्ट कमेटी होगी उन पे डिपेंड करता है दैट दे अग्री टू इट और दे एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स टू आइडेंटिफाई एज अ क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट और नॉट. ठीक है जी, आगे चल रहे हैं, नेक्स्ट पे देखो.
दिस टेल्स यू अ डिफरेंस. क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट्स क्या होता है और क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं. ध्यान रखना, ये मुझे मिला तो आई थॉट दैट आई विल शेयर दिस विद यू, दैट क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट्स आर डिफाइंड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वेयर एज क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स आर डिफाइंड अंडर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट. ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बहुत ही छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स हैं, बट इट कैन मेक और ब्रेक, यू नो, मतलब आपको आपका क्वेश्चन सही करवा सकते हैं और गलत भी करवा सकते हैं. सो दीज आर नोटिफाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स एंड नोटिफाइड विद कंसेंट ऑफ ग्राम सभा. जो वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स हैं आर नोटिफाइड विद कंसेंट ऑफ ग्राम सभा, ठीक है. तो दिस स्मॉल सा टेबल इज पिक्ड अप फ्रॉम अ गवर्नमेंट वेबसाइट. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग आर फैक्टर्स फॉर एक्सपोजर टू बेंजीन पॉल्यूशन. बेंजीन पॉल्यूशन, यू गाइज नो अबाउट बेंजीन पॉल्यूशन, किन किस से होता है? ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, टोबैको, वुड बर्निंग, वार्निश वुड फर्नीचर, और विच ऑफ दीज बताइए. ओके, आंसर इज डी, यस यस यस. तो मेजर सोर्स ऑफ बेंजीन पोल्यूशन और बेंजीन एक्सपोजर आर दीज, आंसर डी है. टोबैको स्मोक, ऑटोमोबाइल सर्विस स्टेशंस, और यू कैन वंस गिव इट अ रीड कि बेंजीन किस में से निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड किस में से निकलता है. ठीक है, चले आगे. ऑल राइट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. शुभम, आई विल टेक योर क्वेश्चन, डोंट वरी. नेक्स्ट है, एशियाटिक लायन इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, डबल हम्प्ड कैमल इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, और वन हॉर्न राइनो इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली. ये अच्छा क्वेश्चन है, बताइए. टेल मी, ओके, देन आंसर इज ए, आंसर इज ए. एशियाटिक लायंस पूछ रहा है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि एशियाटिक लायंस आर नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, डबल हम्प्ड कैमल इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, ये और वन हॉर्न राइनो इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली. थर्ड शायद कुछ लोगों को पता होता, इफ यू वुड हैव नोन थर्ड यू कुड हैव सिंपली एलिमिनेटेड सी एंड डी. तो डबल हम्प्ड कैमल कैन बी फाउंड इन मंगोलिया, चाइना, कजाकिस्तान, वेर एज वन हॉर्न राइनो कैन बी फाउंड इन नेपाल एज वेल. यस 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 यस, ठीक है. मूविंग फॉरवर्ड, अब ये देखो, अगेन दिस क्वेश्चन वॉज आज इन 2019, ये 2019 का क्वेश्चन है. सम स्पीसीज ऑफ टर्टल्स आर हर्बी बोर्स. ठीक है, ओके, लेट अस सी व्हाट इज द आंसर. पहला कह रहे हैं सम स्पीसीज ऑफ टर्टल्स आर हर्बी बोर्स, सेकेंड कह रहे हैं सम स्पीसीज ऑफ फिश आर हर्बी बोर्स, सम स्पीसीज ऑफ मरीन मैमल्स आर हर्बी बोर्स, ठीक. एंड देन सम स्पीसीज ऑफ स्नेक्स आर विवी पैरस. वॉट इज विवी पैरस बाय द वे? विवी पैरस क्या होता है भाई? विवी पैरस, ओवी पैरस, आइडिया है आप लोगों को? वही बता रहे हैं मुकेश. देर आर वन स्पीसीज विच गिव बर्थ टू बेबीज एंड देर आर सम स्पीसीज विच ले एग्स. ये चीज आपको पता है ना, कि कुछ स्पीसीज एग्स ले एग्स, सम ऑफ द स्पीसीज ले एग्स एंड सम ऑफ द स्पीसीज गिव बर्थ टू बेबी. तो विच ऑफ दीज आर ओवी पैरस एंड विच ऑफ दीज आर विवी पैरस? तो सबसे पहले तो ये देख लो, गलत इसमें.
द आंसर गिवन इन दिस इज इनकरेक्ट. अच्छा सही है ठीक है. देखो क्या कह रहे हैं, अडल्ट सी टर्टल्स आर हर्बीवोरस एज अ डाइट कंसिस्टेंटली कंसिस्ट प्राइमरली ऑफ एल्गी सी ग्रास. टर्टल्स आर मेनली हर्बीवोरस ओनली. देन वी हैव सो मेनी फिशेज विच आर ऑल्सो हर्बीवोरस. और आपने उसके डोडो का नाम सुना, हैव यू हर्ड अबाउट डोडो और सीकाओ? हैव यू हर्ड अबाउट डोडो और सीकाओ? सीकाओ इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ मैमल विच इज हर्बीवोरस. ठीक. एंड देन इट से सम ऑफ द स्पीसीज ऑफ स्नेक्स आर ओवीपैरस. बताओ जी. देर आर सम ऑफ द स्पीशीज जिसमें द यंग वंस एस्टैब्लिश और टेक बर्थ इन साइड द बॉडी ऑफ दो स्पीशीज. ठीक है, लाइक ह्यूमन्स. तो ऐसे कुछ स्नेक्स होते हैं जो एग्स नहीं देते, विच गिव बर्थ टू न्यू बॉर्न स्नेक्स ऑल्सो. ठीक है, तो दोज प्रोड्यूस लाइव बेबीज आर बेबी पैरस, दोज प्रोड्यूस एग्स आर ओबी पैरस. सिंपल. ओबी, ओ से एग, ओ जैसा एग होता ना, एंड ओवीपैरस इज दोज हु ले एग्स एंड बेबीपैरस इज दोज हु गिव बर्थ टू बेबीज. सिंपल. ठीक है, आगे चलते हैं. है ना, ये एग जैसा दिखता है ना, तो ओ से याद रखना ओवीपैरस. ओके, और बीबी पैरस जो, हाँ यस 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 विक्रम. नेक्स्ट पे है ब्लू फिन मसीर, इरावदी डॉल्फिन और रस्टी स्पॉटेड कैट. एक्चुअली विक्रम इज करेक्ट, ओवी पैरस इज कमिंग फ्रॉम ओवम और ओवरी, दोज हु ले एग्स. आगे चलते हैं, इसका बताओ. शुभम, तन्वी एंड क्रुणाल, फोर ऑफ यू आर सेइंग आंसर इज सी. हाँ, देखो जी, देख लेते हैं. इरावदी डॉल्फिन चंबल रिवर में कैसे हो सकते हैं, सबसे बड़ी बात. ठीक है, इरावदी रिवर है कहाँ? इरावदी रिवर इज इन म्यांमार. ठीक है, चंबल रिवर इज वेयर? चंबल इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा. ओके, सो सेकेंड यू कुड हैव सिंपली एलिमिनेटेड and you get your answer 1 and 3. Bluefin Masir in Kaveri and Rusty Spotted Cat in Eastern Ghats. Bilkul sahi tha. In India, Irrawaddy dolphins are found in Chilka Lake especially, not in Chambal River. Irrawaddy dolphins are naturally found in Myanmar, Indonesia and Mekong. So, Irrawaddy naam se pata chal jana chahiye tha ki Irrawaddy river Myanmar mein hai. To Irrawaddy dolphin bhi East Asia region mein hi pai jani chahiye, not in Chambal. Okay? Yes. Yes. Why is there a great concern about microbeads? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन 2019 में पूछा हुआ. Tell me. पूछ रहा है कि माइक्रोबीड्स आर कंसिडर हार्मफुल टू मरीन इकोसिस्टम, दे आर कंसिडर टू कॉज स्किन कैंसर, दे आर स्मॉल इनफ टू बी अब्सॉर्ब बाय क्रॉप प्लांट, दे आर ऑफन फाउंड टू बी यूज्ड एज फूड एडल्ट्रेंट्स. आंसर बिल्कुल ए है. माइक्रोबीड्स आर कंसिडर थ्रेट टू एनवायरमेंट बिकॉज दे नेगेटिवली इम्पैक्ट मरीन इकोसिस्टम. ये मैंने आपको पहले बताया भी था इन सम ऑफ द प्रीवियस सेशंस. वी हैव टॉक्ड अबाउट माइक्रोबीड्स एंड माइक्रोप्लास्टिक्स. व्हाट डू माइक्रोबीड्स डू? ये बहुत ही माइनर मिनिस्क्यूल से माइक्रोबीड्स होते हैं जो कॉस्मेटिक्स या अदर प्रोडक्ट्स में यूज होते हैं. एंड एज अ वेस्ट दीज माइक्रोबीड्स एंटर ओशंस. ओके, यस यस यस, ए सही है बिल्कुल. व्हेन दीज माइक्रोबीड्स एंटर ओशंस तो क्या प्रॉब्लम आती है कि जो मरीन एनिमल्स हैं, जो फिशेज हैं और जितने भी बाकी मरीन एनिमल्स हैं, वो इन माइक्रोबीड्स को खा लेते हैं. दे थिंक दैट इट इज देयर फूड. वो फूड समझ के दे ईट
दीज माइक्रो बीड्स एंड बट दैट इज नॉट फूड एंड ओवर एंड अबव दे फील फुल ऑल द टाइम, क्योंकि वो डाइजेस्ट तो होता नहीं है माइक्रो बीड्स उनकी बॉडी में, तो ऑल द टाइम्स दे फील फुल एंड दे एंड अप डाइंग आउट ऑफ स्टारवेशन, क्योंकि उनको भूख लग रही होती है बट वो खा नहीं पाते बिकॉज दे ऑल ऑल द टाइम दे फील फुल बट देयर बॉडी इज नॉट गेटिंग न्यूट्रिशन एज वेल, दैट इज वाई दे एंड अप डाइंग. So that is this is how they negatively impact the marine animals. They do not degrade in the bodies of these marine animals. Obviously, plastic bag. Yes. Dekh, next pe aao. Recently, there was a growing awareness in our country about importance of Himalayan nettle. What is Himalayan nettle? Koi idea? बताइए, व्हाट इज दिस? एंटी मलेरियन ड्रग, बायोडीजल, पल्प ऑफ फॉर पेपर इंडस्ट्री या टेक्सटाइल फाइबर? ओके, आंसर इज डी, हिमालयन नेटल इज अ सस्टेनेबल सोर्स ऑफ टेक्सटाइल फाइबर. आंसर इज डी. एक बार लेट मी शो यू हाउ इट लुक्स लाइक. लुक समथिंग लाइक दिस. दिस इज अ प्लांट बेसिकली. ओके, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. तो ये क्या है? हिमालयन नेटल इज अ सस्टेनेबल सोर्स ऑफ टेक्सटाइल फाइबर, कॉमनली नोन एज नीलगिरी नेटल, इज ऑल्सो फाउंड अबंडेंटली इन ओपर फॉरेस्ट लैंड, रिवर साइड्स एंड उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर, इन सब एरियाज में पाई जाती है. करती क्या है? इट कैन गिव फाइबर, एंड इसका फाइबर से यू कैन मेक रोप्स, ठीक है, या फिर जैसे जूट की रोप्स बनती हैं वैसे आप इसकी रोप्स बना सकते हो हिमालयन नेटल की, एंड डिफरेंट डिफरेंट अदर पैकेजिंग वगैरह में काम आ जाता है इसका फाइबर, टेक्सटाइल फाइबर. तो हिमालयन नेटल इज फाउंड टू बी अ सस्टेनेबल सोर्स ऑफ टेक्सटाइल फाइबर. टेंथ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, कंसिडर फॉलोइंग स्टेट्स विथ रेफरेंस टू स्टेट्स मेंशन अबव टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर. अगेन 2019 का क्वेश्चन. अच्छा विक्रम, ओके, छत्तीसगढ़ एरिया पूछ रहा है, ध्यान रखना, परसेंटेज पूछ रहा है, टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर. एरिया में सबसे ज्यादा एमपी है, परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा कौन सा है? दिस इज समथिंग यू हैव टू टेल कि टोटल एरिया का कितना परसेंट इज अंडर फॉरेस्ट कवर, यू हैव टू टेल. आंसर इज सी, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, फिर एमपी, फिर उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़. ठीक है, महाराष्ट्र, एमपी, देन उड़ीसा एंड देन छत्तीसगढ़. एज पर फॉरेस्ट सर्वे 2017, असेंडिंग ऑर्डर में था ना? असेंडिंग ऑर्डर देख लिया था कि नहीं देख लिया था? लीस्ट से मैक्सिमम तक जाना था, लीस्ट इन महाराष्ट्र, देन इन एमपी, देन ओडिशा एंड देन छत्तीसगढ़. तो छत्तीसगढ़ इस तरह से इट हैज मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर. और ऑल अक्रॉस इंडिया किसका सबसे ज्यादा है? ऑल अक्रॉस इंडिया इज मिजोरम. ऑल अक्रॉस इंडिया मिजोरम हैज मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर. ऑल्दो एज कंपेयर टू द पास्ट, मिजोरम में फॉरेस्ट कवर डिक्लाइन जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी ऑल ओवर इंडिया सबसे ज्यादा है. Right, this is about this session. Yeah, this is about this session and let me tell you about this code. Agar abhi tak aapne GradeUp Super subscription nahi liya hai, so do take up this subscription, last 55. ठीक है, last 55 code use karke aapne, you can
गेट 55% ऑफ ऑन ग्रिड अप सुपर सब्सक्रिप्शन एंड इन दैट सब्सक्रिप्शन यू विल गेट ऑल द लाइव कोर्सेज मॉक टेस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन PDFs एवरीथिंग अंडर वन सब्सक्रिप्शन फॉर UPSC CSE एंड EPFO एज वेल. और कैसे आपको यूज करना है कोड, यू जस्ट सिंपली गो टू द ग्रिड अप ऐप एंड दीज आर द ड्यूरेशंस. आप ड्यूरेशन अपने हिसाब से सिलेक्ट कीजिए. यूज द, यहाँ पे अप्लाई कूपन लिखा रहा है, यूज द कूपन कोड लास्ट 55 एंड यू कैन गेट द सब्सक्रिप्शन ऑफ. और यू कैन यू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल एज वेल. और जिनको प्रॉब्लम है, जो लोग पूछ रहे हैं बहुत टाइम से कि एडिटोरियल सेशन यूट्यूब पे क्यों नहीं हो रहा है, तो एडिटोरियल सेशन ऐप पे हो रहा है. अब मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इट इज़ ऑन ग्रेड अप ऐप एट 12 noon सेम टाइम. सो इफ यू वॉन्ट टू जॉइन मी यू कैन जॉइन मी ऑन ग्रेड अप ऐप. एंड वी ऑल्सो डू करंट अफेयर्स थ्रू MCQs दीज डेज. मतलब हम MCQs के थ्रू करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं एट 3 PM अगेन ऑन दी ग्रेड अप ऐप. सो इफ यू वॉन्ट टू जॉइन मी ओवर देर यू कैन. फॉरेस्ट कवर कहाँ पड़े शुभम? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का ब्रीफ आपको मिल जाएगा इजीली इंटरनेट पे कहीं भी. ओके शुभम. और जो आप ये पूछ रहे हो कि व्हाट आर द बेनिफिट्स गिवन टू क्रिटिकल हैबिटेट्स, देखो क्रिटिकल हैबिटेट अगर एक बार नोटिफाई कर दिया जाता है ना, तो कुछ तो उस एरिया को, स्टेट को, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए फंडिंग मिलती है. ओके और प्लस मेन उसका रीजन या मेन उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि ज़्यादा ह्यूमन इंटरफेरेंस उस एरिया में नहीं की जाएगी. ओके एंड जो आपके फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैं, फॉरेस्ट सर्विसेज के अंडर जितने भी सारे ऑफिशियल्स हैं और फॉरेस्ट सर्विसेज के अंडर जो भी फॉरेस्ट गार्ड्स होते हैं, उनको दे आर गिवन इंसेंटिव फॉर टेकिंग केयर ऑफ सच क्रिटिकल एरियाज. ठीक है, तो लाइक आई टोल्ड यू, आइडेंटिफाइड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट फॉर टाइगर कंजर्वेशन. लैंड एलोकेशन और जितना बजट एलोकेशन, ये सब चीज़ें इन्वॉल्व हैं फॉर, दैट इज़ वाई स्टेट्स को होता है कि हमारे एरियाज में, हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज में क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट हो. ओके यस यस राइट देन, थैंक यू सो मच. डू लाइक एंड शेयर दिस सेशन एंड आई विल सी यू टुमारो विद 2019 के कंटिन्यूड क्वेश्चंस. अभी 2019 के एनवायरमेंट क्वेश्चंस रह गए हैं, तो उसको हम कल कंप्लीट करेंगे द रिमेनिंग वंस. ओके देन बाय बाय. मुकेश मिश्रा, यू कैन सिंपली सर्च ऑन टेलीग्राम हिमानी सूरी, यू विल फाइंड इट. बाय.